हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। एंड इस वीडियो में हम सीख रहे हैं जे एप्लेट। सो जे एप्लेट एक ऐसा कंटेनर होता है जिससे ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाती हैं जो कि वेब ब्राउजर में चलाई जाती हैं। ये काफ़ी हद तक एप्लेट की तरह होता है। अगर आपने AWT में एप्लेट पढ़ा होगा तो आप इसे अच्छे समझेंगे, क्योंकि ये उसी एप्लेट का थोड़ा एनहेंस वर्जन है। उस एप्लेट में क्या होता था कि AWT पैकेज के कंपोनेंट्स को यूज़ किया जाता था, वही कंपोनेंट्स उसमें हम ऐड कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या है कि स्विंग कंपोनेंट्स का भी यूज़ किया जा सकता है, और आप जानते हैं कि स्विंग कंपोनेंट्स AWT के पैकेज के कंपोनेंट्स से काफ़ी बेहतर हैं। तो चलिए इसका एक प्रोग्राम बना के इसे अच्छे समझेंगे। चलते हैं नेटविंस में, और यहाँ मैं एक न्यू क्लास ले लूँगा, न्यू जावा क्लास, और यहाँ लिखेंगे जावा एप्लेट डेमो। ओके, चलिए अभी हम क्योंकि इसे एप्लेट बनाएंगे तो इसे हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड करने से पहले मैं पैकेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग का पैकेज इंपोर्ट करेंगे, और ये जी एप्लेट स्विंग पैकेज की ही क्लास है। एंड इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट इवेंट पैकेज को हम इंपोर्ट करेंगे। ओके, चलिए अभी इसे हम इस क्लास को एक्सटेंड कर देंगे जी एप्लेट से, एक्सटेंड्स विद जी एप्लेट। ओके, चलिए अभी इस एप्लेट में मैं दो चीज़ लेने वाला हूँ, एक तो टेक्स्ट फील्ड, एक बटन। ओके, सो जे टेक्स्ट फील्ड T1 एंड जे बटन B1। ओके, चलिए अब इसका एक इम्पोर्टेंट मेथड होता है जो कि इसके लिए मेन मेथड की तरह वर्क करता है, जो कि है पब्लिक void init मेथड, जिससे ये एप्लेट इनिशियलाइज होगा और इसी से ये स्टार्ट भी होगा। एप्लेट के लिए हमें मेन मेथड की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये इनिट मेथड ही इसके लिए मेन मेथड का वर्क करता है। चलिए जो जितनी भी हमें एप्लेट की कोडिंग करनी होगी वो इसी इनिट मेथड के अंदर करनी होगी। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस एप्लेट का लेआउट नल कर देता हूँ, सेट लेआउट नल। ओके, और देन मुझे क्योंकि नल लेआउट कर दिया है तो इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करने से पहले इनकी बाउंड सेट करनी पड़ेंगी। सो T1 डॉट सेट बाउंड्स 20, 20 एंड 100, और इसको देता हूँ मैं 30। ठीक है, एंड इसी तरह से B1 डॉट सेट बाउंड्स, इसको मैं देता हूँ 20, 60 हाइट। ओके, टॉप से इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एंड इसकी विड्थ दूंगा मैं 100 एंड हाइट दूंगा मैं 20। ओके, चलिए अभी इसे ऐड भी कर देते हैं, ऐड T1 ऐड B1। ओके, तो हमने इसे एप्लेट में भी ऐड कर दिया। अभी मैं क्या करूँगा, B1 यानी बटन के साथ एक ऐड एक्शन इंस्टॉल करूँगा, ताकि इसके साथ मैं इवेंट हैंडलिंग कर सकूँ। इसमें मैं दिस पास करूँगा, और सेम क्लास में मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एक्शन लिसनर। ओके, अभी क्योंकि मैंने इम्प्लीमेंट किया है तो इसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, और यहाँ मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी कि क्या मैं चाहता हूँ जब इस बटन पर क्लिक हो। ओके, और एक गलती मैंने यहाँ कर दी, वो मैंने क्या कर दी कि इन्हें T1 और B1 यानी बटन और टेक्स्ट फील्ड को मैंने इनिशियलाइज नहीं किया। तो यहाँ हम इनिशियलाइज कर देंगे T1 इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, क्योंकि इनिशियलाइज करते किए बगैर अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो एरर आएगी। ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, T1 एंड B1 इक्वल टू न्यू जे बटन, यहाँ हम लिखेंगे प्रेस मी। ओके, चलिए अभी अगर मैं क्या चाहता हूँ कि B1 पे क्लिक होते ही कुछ T1 में यानी कि टेक्स्ट फील्ड में टेक्स्ट ऐड हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही बटन पे क्लिक हो टेक्स्ट फील्ड में क्या हो जाए, बूम बूम टेक्स्ट ऐड हो जाए। ओके, चलिए तो प्रोग्राम तो हमारा बन चुका है, अब हम इसे रन करेंगे। तो इसे रन करने के लिए
हम यहाँ तो नेटबीन्स से तो हम इसे राइट क्लिक करके ही रन कर लेंगे, लेकिन नेटबीन्स बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, इसे एप्लेट व्यूअर में ओपन करेगा, ठीक है। तो यहाँ हम इसे रन रन करेंगे, राइट क्लिक करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नेटबीन्स ने ये इस एप्लेट को एप्लेट व्यूअर में ओपन किया है, ठीक है। यहाँ से एप्लेट स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इतना अंदर का जो आप एरिया देख सकते हैं, ये एप्लेट है। और आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट फील्ड और बटन दोनों एप्लेट में ऐड हो गए हैं, ठीक है। अगर मैं प्रेस में इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी फंक्शनैलिटी भी वर्क कर रही है। तो एप्लेट का तो प्रोग्राम अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये तो हमने नेटविंस के जरिए इसे बनाना सीखा और नेटविंस में ही हमने इसे चलाया है। लेकिन अगर आप इसका इसको नोटपैड के जरिए बना बना रहे हो तब इसको कैसे रन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो नोटपैड में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसे इसी कोड को यहाँ से कॉपी करूँगा, और ध्यान रहे ये इसके ऊपर वाला कोड नहीं कॉपी करना है, ये इतना ही कॉपी करना, ठीक है। और इसे जाते हैं नोटपैड में, यहाँ मैं एक न्यू जावा के लिए न्यू फाइल बनाऊंगा, ठीक है। जावा एप्लेट उसी नाम से बनाऊंगा मैं, जावा एप्लेट डेमो डॉट जावा, ओके। और इसके अंदर इस कोड को हम पेस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे, ओके। अभी हम क्या करेंगे, इसे राइट क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ कमांड विंडो ओपन करेंगे। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस क्लास को कंपाइल कर लूँगा, ठीक है। जैसे हम प्रोग्राम को रन करते हैं जावा के, जावा एप्लेट डेमो डॉट जावा, ओके। तो इससे क्या होगा कि इसकी एक क्लास बन जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ क्लास बन गई। अभी हमें इसे एप्लेट व्यूअर के साथ रन करना पड़ेगा क्योंकि हम एप्लेट रन कराने वाले हैं। सो एप्लेट व्यूअर, और यहाँ आपको ऐसी फाइल का नाम लिखना होगा जिसमें एप्लेट टैग लिखा हो, ठीक है। तो अभी तो हमने ऐसा कोई एप्लेट टैग किसी फाइल में नहीं लिखा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी फाइल में एप्लेट टैग लगा देंगे। उसे हम कैसे करेंगे, मैं हम उसे एप्लेट टैग को नीचे भी लगा सकते हैं, सबसे नीचे, और क्योंकि हम जावा फाइल है तो हम इसे कमेंट में, कमेंट में लगाएंगे, ठीक है। तो एप्लेट टैग लगाने के लिए हम लिखेंगे एप्लेट, ओके। और जैसे एचटीएमएल के कोड लिखना लिखते हैं ना, वैसा ही हमें यहाँ लिखना है, एप्लेट कोड इज इक्वल टू, यहाँ हमें जावा क्लास का नाम लिखना है। सो जावा एप्लेट डेमो डॉट क्लास, ओके। और इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, यहाँ दे रहा हूँ मैं 300 300। और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, यहाँ भी मैं 300 देता हूँ। इसको बंद करता हूँ एप्लेट, ओके। और कमेंट तो हमारी बंद हो ही गई। तो एप्लेट व्यूअर क्या करेगा, इस जो भी हम फाइल का नाम देंगे उस फाइल के अंदर इस टैग को ढूंढेगा, ठीक है। और देन इस टैग के अंदर क्लास फाइल को ढूंढेगा, ठीक है, इस क्लास फाइल को। और जो भी आपने क्लास फाइल का नेम दिया है फिर वो इस क्लास को इस फोल्डर के अंदर ढूंढेगा। अगर उसे फोल्डर के अंदर क्लास मिल जाती है वो उसे रन कर देगा, ठीक है। अगर आपकी क्लास फाइल इस फोल्डर में नहीं ना हो कि कहीं कहीं और है, तो आपको उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लेट टैग में उस फाइल का पूरा पाथ देना होगा, ठीक है। पूरा पाथ यहाँ पेस्ट करना होगा, ठीक है। चलिए तो अभी तो हम इसी फाइल का, क्योंकि हमने इसी फाइल में एप्लेट टैग लगा दिया है, तो हम इसी फाइल का नाम लिख देंगे यहाँ, जावा एप्लेट डेमो डॉट जावा, ओके। तो अभी हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ ये एप्लेट व्यूअर के जरिए रन हो गया है। अभी मैं प्रेस करूँगा तो बूम। सो इस वीडियो में हमने दोनों तरीके से, यानी कि नोटपैड के जरिए हम एप्लेट कैसे बना सकते हैं और नेट मीन्स में हम एप्लेट को कैसे बना सकते हैं, दोनों तरीके से हमने एप्लेट को बनाना सीखा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जी एप्लेट को कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ भी अगर आप सलाह देना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जे एपलेट क्लास अभी करंट टाइम में डेप्रिकेटेड हो चुकी है। उसका रीज़न ये है कि इस जे एपलेट क्लास को रन कराने के लिए हमें वेब ब्राउज़र में जावा का प्लगइन इंस्टॉल करना होता था, ठीक है। लेकिन अभी करंट टाइम में क्या है कि सभी वेब ब्राउज़र ने जावा प्लगइन को सपोर्ट करना बंद कर दिया है, जिसके कारण हम इसे वेब ब्राउज़र में रन नहीं करा सकते, और इसलिए ये डेप्रिकेटेड भी हो चुकी है क्लास, ठीक है। तो इसे सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हमने इस वीडियो में सीखा है, अभी करंट टाइम में इसका कोई यूज़ नहीं है।